तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत करते हैं आप लोग हमारे न्यू और बहुत ब्रांड वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं फन गेमिंग यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है लाइक। तो वह साल में दोबारा इसके लिए माइनक्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे कि पीछे जो हमारा वर्क कर रहा है कबलस्टोन फार्म वो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो फार्म बनाने वाले। दो फार्म का नाम है, पहला बोन मिल फार्म एंड दूसरा वुड फार्म। एंड ये फार्म काफ़ी ज़्यादा जॉइंट एंड काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक के बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, जैसे कि हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में अपना यहाँ पे कबलस्टोन फार्म बनाया था जो कि हम लोग को पर सेकंड 1 से 2 स्टैक देता है, तो ऐसे ही हम लोग बोन मिल एंड वुड फार्म बनाने वाले हैं। तो वुड फार्म हम लोग को पर सेकंड 1 स्टैक देगा एंड बोन मिल फार्म हम लोग को पर सेकंड 1/2 स्टैक देगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे हिसाब रखने वाले बाय वन गेट वन फ्री वाला, मतलब बोन मिल फार्म के साथ वुड फार्म फ्री। तो गाइस इस फार्म को बनाने के लिए क्या क्या सामान लगने वाला है तो वो आप लोग इस वीडियो में खुद देख लो, क्योंकि मैं ही बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो मित्रों, अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध ली क्योंकि हम लोग बोन मिल फार्म के लिए सामान जमा करने के लिए चलने वाले हैं। उससे पहले मैं अपनी चेस्ट में भी चेक करूंगा कि मेरे पास कोई काम का सामान पड़ा है तो वो इस फार्म में मैं लगा दूँ। तो सबसे पहले मैं सामान जिसका कलेक्ट कर रहा हूँ उस फार्म का नाम है बोन मिल फार्म। तो चले चलते हैं बोन मिल फार्म का सामान कलेक्ट करने के लिए। यार गाइस, आज फिर से मेरी चेस्ट में सारा का सारा इक्विपमेंट्स मिल गए मेरे फार्म का। यकीन नहीं है तो ये देख लो गाइस, सारा सारा सामान मिल चुका है, खाली हमारे पास स्टिकी पिस्टन नहीं, क्योंकि स्टिकी पिस्टन के लिए मेरे को स्लाइम चाहिए, स्लाइम मिलेगी हम लोग को स्वयं बायोम में। तो चलिए गाइस ढूंढते हैं जल्दी से स्वयं बायोम एंड फिर चलते हैं स्टिकी पिस्टन के लिए। चलो यार, मैं अपने घर से 350 ब्लॉक की दूरी पे आके लेकिन मेरे को अभी तक स्वयं बायोम नहीं मिली है, तो जल्दी से मैं स्वयं बायोम ढूंढ के एंड स्लाइम मार के फिर आपसे मिलता हूं। हाँ तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे स्लाइम बॉल मिल चुकी है, इससे मैं जल्दी से स्टिकी पिस्टन बनाता हूं। गाइस हुआ है कुछ ऐसा, जैसे ही मैंने अपनी वीडियो ऑफ करी वैसे मेरे को स्वयं बायोम मिल गई। तो चलो गाइस, मैंने सोचा वीडियो तो मतलब स्लाइम बना के ऑन कर लेंगे। हाँ तो गाइस जल्दी से अपने स्टिकी पिस्टन बनाते हैं फिर चलते हैं बोन मिल फार्म बनाने के लिए। हाँ तो गाइस फिर से दिक्कत हो चुकी है, हम लोग को यहाँ पे कैल्प नहीं मिली, क्योंकि कैल्प हम लोग को मिलेगी ओशन में या फिर हमको ट्रेडर देगा। तो ट्रेडर का मैंने बहुत वेट करा लेकिन एक स्पॉन हुआ लेकिन उसके पास कैल्प नहीं थी। तो मैं अब यहाँ से अपने विलेजर से ट्रेडिंग करके ओशन मॉन्यूमेंट का मैप ले रहा हूँ एंड वहाँ से फिर कैल्प लेके आता हूँ। तो चलिए गाइस चलते, सबसे पहले तो मैं विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं एमरेड ले आया हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली बड़े ही स्ट्रगल करने के बाद हम लोग को विलेजर ने ओशन मॉन्यूमेंट का यहाँ पे मैप दे दिया। एंड गाइस अब मैप के साथ हम लोग रास्ते से चलते हैं ओशन मॉन्यूमेंट एंड ओशन से अपने लिए कैल्प लेके आते हैं एंड फिर अपना बोन मिल फार्म बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई यार फिर से झोल हो गया, इस वीडियो में हमारे साथ झोली बजा रहा है। मेरे को ओशन मॉन्यूमेंट तो मिल चुका है लेकिन हमारा ओशन मॉन्यूमेंट आइस बायोम में। तो मैं चलिए गाइस जल्दी से अपने लिए कैल्प ढूंढ लेता हूँ एंड कैल्प लेके अपने घर चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ लेकिन मैं वहाँ से तो 3 ही कैल्प लाया क्योंकि यार मैं मिल ही नहीं रहे थे यार मेरे को कैल्प जल्दी। तो अब गाइस देखो फार्म बनाने का जो जो सामान है वो आप लोग अपनी पॉकेट में रख लेते हैं एंड फिर चलते फार्म बनाने के लिए। लेकिन किसी ने भी अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, प्लीज़ हमारे वीडियो को पसंद आ रहे तो लाइक भी कर दो। चलिए गाइस अपना फार्म बनाते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे रेडस्टोन ब्लॉक बनानी, यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करा एंड इसके ऊपर एक और ब्लॉक प्लेस करना है एंड फिर इसके लेफ्ट एंड राइट में जो एक ब्लॉक इधर प्लेस करना है एंड इधर प्लेस कर देना है। एंड हम लोग यहाँ पे बीच वाला जो ब्लॉक है ना उसको अपनी पिकेक्स से तोड़ देना, तो मेरी पिकेक्स इन्वेंटरी से मैं निकालता हूँ। हाँ तो यार हम लोग को ब्लॉक तोड़ देना है एंड गाइस अब हम लोग यहाँ पे लीवर ले लेना है। लीवर यहाँ पे अभी हम लोग को ऑन ही रखना है लगा के एंड हम लोग को नीचे लीवर के नीचे हम लोग रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। रेडस्टोन टॉर्च लगाने के बाद हम लोग को करना है कि यहाँ पे हम लोग को लगा देना है रिपीटर एंड रिपीटर के नीचे हम लोग को लगा देना है यहाँ पे रेडस्टोन। तो यहाँ पे कुछ अभी जलबूज ऐसे ऑन ऑफ हो रहा होगा तो उसको हम लोग को बंद कर देना एंड इसको एक ब्लॉक मतलब एक रेडस्टोन पे स्टैंड कर देना। मेरे से गलती लग गया तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे अब हम लोग करना है कि हम लोग यहाँ पे 3-3 ब्लॉक की यहाँ पे हम लोग को दो भागों में ये बना लेना है कबलस्टोन से एंड इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे 3 रेडस्टोन लगा देने। रेडस्टोन लगाने के बाद गाइस हम लोग करना है कि हम लोग को लेने यहाँ पे स्टिकी पिस्टन है, यहाँ पे 3 और 1 स्टिकी पिस्टन लगा देना है एंड यहाँ से हम लोग को फिर इसके नीचे 3 ब्लॉक की यहाँ पे नीचे कबलस्टोन लगा देना है। एंड कबलस्टोन लगाने के बाद गाइस हम लोग को सैंड ले लेनी है। हाँ तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे सैंड लेने हैं, हम लोग ने स्टिकी पिस्टन के आगे हम लोग यहाँ पे 3 सैंड रख देनी कबल स्टोन के ऊपर एंड गाइस हम लोग को अभी फिर से सैंड ही ले लेना है। यहाँ पे हम लोग स्टिकी पिस्टन के ऊपर हम लोग यहाँ पे 3 सैंड रख देनी है, थोड़ा ध्यान से रखना नहीं तो नीचे भी चली जाती है। एंड यहाँ पे गाइस अब हम लोग को 3-3 ब्लॉक यहाँ पे वॉल उठा देनी है एंड हम लोग को पिस्टन के पीछे भी यहाँ पे 3 ब्लॉक रखने, जैसे कि यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3 हो गया। एंड यहाँ पे अब हम लोग को पिस्टन के पीछे भी यहाँ पे 3 ब्लॉक रखने, 1, 2 एंड 3 एंड साइड सेम टू सेम हम लोग को इधर सेम ऐसे बना लेना है एंड फिर बताता हूँ मैं लुक कैसा आएगा। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ एंड ये देखो कुछ कुछ इस टाइप का लुक आएगा। एंड यहाँ पे गाइस हम लोग को अभी जस्ट लगेगी जो मैं बना के लिए लाया तो जल्दीबाजी में मैं अभी बना के लिए आऊँगा फिर लगा दूंगा। एंड यहाँ पे हम लोग को फिर से कबल स्टोन ले लेना है एंड यहाँ पे हम लोग ने पिस्टल लगाया उसके ऊपर हम लोग ने कबल स्टोन लगाया उसके ऊपर हम लोग और कबल स्टोन 3 बार लगा देना एंड उसके बाद हम लोग को सामने फेस करते हुए 3 पिस्टल लगा देना है। एंड 3 पिस्टल लगाने के बाद हम लोग को 4-4 यहाँ पे हाइट की वॉल बना लेनी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड इधर से भी सेम टू सेम 1, 2, 3, 4 एंड पिस्टन के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे 3 कबल स्टोन रख देने एंड सेम टू सेम हम लोग को उधर बना लेनी है। जब तक अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिया। हाँ तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे चेस्ट में बना के लाता हूँ एंड फिर बताता हूँ चेस्ट का क्या काम है।
हाँ तो गाइस मैं यहाँ पे चेस्ट बना के लिया हूँ एंड यहाँ पे हम लोग को लीवर के एक ब्लॉक छोड़ के हम लोग यहाँ पे डबल चेस्ट प्लेस कर देनी है एंड यहाँ पे हम लोग को हॉपर एंड कंपोस्टर यहाँ पे ले लेने हैं। यहाँ पे तीन क्राउस करते हुए चेस्ट जाते की तरफ एरो होते हुए तरफ हम लोग को तीन हॉपर लगा देने एंड यहाँ पे हम लोग को कंपोस्टर यहाँ पे तीन लगा देने हॉपर के ऊपर एंड कंपोस्टर के ऊपर भी हम लोग को ना नीचे की तरफ जाते हुए एरो हॉपर का हम लोग यहाँ पे तीन यहाँ पे हॉपर लगा देने। तीन हॉपर लगाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे वाटर बकेट एंड यहाँ पे ग्लास पेन ले लेने एंड गाइस यहाँ पे मैं ओ के सिंह भी लगेगा तो ओ के सिंह मैं बना के नहीं लाया हूँ, जल्दीबाजी में भूल गया था तो वो भी चलो गाइस मैं जल्दी से ओ के सिंह बना के लाता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैं ओ के सिंह बना के लिया हूँ एंड गाइस मैं भी नीचे आ गया हूँ लुक दिखाने के लिए आपको। यहाँ से भी हम लोग ऊपर चलते हैं यहाँ पे ग्लास पेन लगाते हैं लेकिन उससे भी पहले गाइस हम लोग को ना यहाँ पे ओ के सिंह लगाना है। सबसे पहले हम लोग फार्म का मिडिल वाला ब्लॉक लेना पिस्टन का आगे का यहाँ पे क्राउस करते हुए हम लोग को तीन ओ के सिंह लगा देने। तो गाइस जल्दी से मैं ग्लास पेन लगा लेता हूँ फिर आपसे मिलता। हाँ तो गाइस ग्लास पेन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे कबल स्टोन जहाँ पे हम लोग ले लगा था जहाँ क्लॉक बनाई थी वहाँ जाने दो ब्लॉक हम लोग को यहाँ पे ऐसे कुछ सामने सामने प्लेस कर देना एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को रिपीटर लगा देना एंड रेड स्टोन लगा देना एंड गाइस फिर हम लोग को इधर एक ब्लॉक लगा के इधर इसके छेद को कवर कर देना है एंड गाइस फिर इसके ऊपर जाकर हम लोग को रेड स्टोन लगा देनी है। जैसे हम लोग को मतलब स्टेयर वाला लुक नहीं होता वो दे देना है। फिर हम लोग को एक इधर यहाँ पे कबल स्टोन लगाना है, एक मिनट गलत लग गया, मैं नीचे से लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को एंड इधर लगाना है एंड फिर हम लोग को एक रेड स्टोन टॉर्च लगा देनी है। रेड स्टोन टॉर्च के ऊपर हम लोग को चार ब्लॉक लगा देने 1, 2, 3 and 4, 5 एंड यहाँ इस ब्लॉक से हम लोग को ऊपर चलना है। इस ब्लॉक पर हम लोग को रेड स्टोन नहीं लगाना है जैसे कि पिस्टन के ऊपर 1, 2 and 3, 4, 5 फिर यहाँ से लगाने के बाद गाइस हम लोग को इस एरिए को तोड़ देना है गाइस एंड तोड़ने के बाद गाइस अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग चेक कर लेते हैं अपना फार्म वर्क कर रहा है यानी इसको ऑन करा एंड गाइस देखो अभी अपना फार्म यहाँ पे डन है पूरा वर्क कर रहा है एंड गाइस अभी गाइस यहाँ पे एक दिक्कत हो गई मैं आपको बताना भूल गया। जहाँ से हम लोगों ने रिपीटर लगाना है सेकंड वाला उसको एक बार क्लिक कर देना एक बार टिक कर देना तो मतलब फार्म अगर वर्क नहीं कर रहा होगा तो वर्क करने लगेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये फार्म मैंने ऑन करा एंड देखो गाइस फार्म वर्क कर रहा है। देखो 11 का मतलब बोन मिल हमारे चेस्ट में आ चुके हैं। तो गाइस जरा कमेंट में बता देना कैसा फार्म लगा। बेकार है भैया मैं तो टूट गया यार, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से फार्म रैंड तुम लोग करो पसंद नहीं आया यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन ये फार्म बहुत अल्टीमेट है जॉइंट आप लोग मतलब बोन मिल मिलते रहेगा। अभी तो मैंने फार्म को बन रखा है क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है। हाँ तो गाइस अब हम लोग आ रहे थे अपने वुड फार्म के ऊपर। वुड फार्म बनाने के लिए हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए लेकिन थोड़े से लगेंगे क्योंकि बाकी सब मेरे पास बचा हुआ है। तो बता दो उसमें फार्म में क्या लगने वाला है। सबसे पहले ऑब्जर्वर, रिपीटर एंड यहाँ पे पिस्टन खूब सारे एंड यहाँ पे डिस्पेंसर, लीवर एंड हम लोग को रेड स्टोन और गाइस रेड स्टोन रिपीटर ब्लॉक्स एंड वाटर बकेट ऑब्सीडियन। तो चलिए गाइस ये सब सामान जमा करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। हाँ तो गाइस सामान जमा हो चुका है, चलिए मैं आपको फार्म बनाना सिखा देता हूँ। अच्छा हमको सिखा दिया है? यार एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोग को नहीं सिखाऊंगा तुम लोग फार्म कैसे बनाओगे फिर? बात तो सही है। हाँ तो गाइस चलिए अपना फॉर्म बनाने से तो हम लोग यहाँ पे डिस्पेंसर रख देना है एंड डिस्पेंसर के पीछे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर रख कर देना है जिसका एरो आगे को एंड फेस पीछे को एंड फिर यहाँ पे हम लोग को एक ऑब्जर्वर की क्लॉक बना देनी है एंड दूसरा ऑब्जर्वर हम लोग ऐसे रखना है जिसका एरो पीछे को एंड फेस आगे को एंड यहाँ पे डिस्पेंसर के हम लोग लीवर लगा के ऑफ कर देना नहीं तो यहाँ पे टिक 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 होता रहेगा। हाँ तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे पिस्टन लगा देने वो भी 4 की हाइट में जैसे कि 1 एंड यहाँ पे एक सेकेंड यार 2 एंड इसके ऊपर 3 एंड इसके ऊपर जम करके यहाँ से 4। हाँ तो गाइस 4 पिस्टन लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे हॉपर एंड बैरल ले लेना है एंड हॉपर कुछ इस टाइप से लगाना है कि उसका जो मतलब फेस नहीं होता ना नीचे से वो डिस्पेंसर के अंदर जा रहा हो तो इस टाइप से क्राउच करके लगा देना एंड क्राउच करके हॉपर के ऊपर बैरल लगा देना एंड गाइस फिर हम लोग जब पीछे आ रहेंगे तो हमें आपसे कोई भी रेंडम यहाँ पे ब्लॉक ले लेना। मैं अभी यहाँ पे स्टोन का यूज़ कर रहा हूँ एंड पीछे हम लोग को 2x2 बना लेना चाहिए 1 and 2, 3, 4 एंड लास्ट वाले कॉर्नर से हम लोग को यहाँ लगा देना है एंड एक पिस्टन के जस्ट बीच में लगा देना एंड जो बीच वाले पिस्टन पे हम लोग ने स्टोन लगाया उसके बगल से यहाँ पे गाइस हम लोग को 3 ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर देना हाइट पे 1, 2, 3 एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को 2 ब्लॉक की यहाँ पे वॉल ऐड कर दे। हाँ तो गाइस 2 ब्लॉक की वॉल लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक सबसे लास्ट में एक बीच का ब्लॉक तोड़ देना है एंड गाइस यहाँ पे हम लोग को ऑब्जर्वर ले लेना जिसका एरो हम लोग की तरफ हो एंड फेस आगे को एंड यहाँ से हम लोग को फिर रेडस्टोन रिपीटर ले लेना एंड रिपीटर कुछ इस तरीके नहीं इस तरीके से नहीं लगाना गाइस हम लोग को यहाँ पर राइट में जाते हुए लगा देना जिसका डिस्पेंसर का एरो राइट में जा रहा हूँ हाँ ऐसे एंड यहाँ से गलती से लगे तो तोड़ दूंगा एंड फिर हम लोग को अप मतलब ऊपर जाता है अप जाता हुआ यहाँ पे लगा देना है एंड गाइस अभी सबको रेडस्टोन से कनेक्ट करते हुए नीचे लेके चले आना है तभी हम लोग ने इस टाइप की स्टेयर बनाई थी और गाइस हर जगह हम लोग रेडस्टोन कलेक्ट कर देना है कनेक्ट कर देना है एंड गाइस फिर हम लोग को यहाँ से अब फिर से हम लोग को पिस्टन लेना है एंड 9 ब्लॉक के मतलब हाइट पे 4 पिस्टन लगाते हुए हम लोग को चले जाना है। हाँ तो गाइस पिस्टन लगाने के बाद हमारे फार्म का सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। सिस्टम पार देंगे। अरे यार मैं अपने फार्म के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस हम लोग यहाँ पे पिस्टन के कॉर्नर पर एक ब्लॉक तोड़ देना है यहाँ पे हम लोग रेड स्टोन रख देना है रेड स्टोन टॉर्च रख देनी है एंड यहाँ पे ब्लॉक रख देना है लेकिन अभी यहाँ पे ये वर्क इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लोग ने रेड स्टोन करेक्शन नहीं करा है। हाँ तो गाइस अब हम लोग को यहाँ पे स्टोन ले लेने स्टोन ब्रिक एंड लास्ट वाले जो पिस्टन है इसके लाइन में पूरे पे एंड बीच वाले पिस्टन पे पूरे पे हम लोग को यहाँ पे स्टोन रख देने एंड स्टोन के ऊपर हर तरफ हम लोग को यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट रख देनी है।
हाँ तो बस इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से स्टोन ले लेने हैं, यहाँ पे हम लोग को कॉर्नर पा जाना है एंड टू ब्लॉक की हाइट पे चले जाने से कि वन एंड यहाँ पे टू एंड साइड में आके हम लोग को इधर एक ब्लॉक लगा देना है एंड ये वाला ब्लॉक तोड़ देना तो कुछ ऐसा जिग जैप का लुक आ जाएगा। एंड यहाँ से हम लोग को यहाँ से टॉर्च लगाना है रेड स्टोन, यहाँ से हम लोग को तीन यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट लगा देनी है एंड इस स्टेयर के ऊपर हम लोग को रेड स्टोन डस्ट चढ़ा देनी है जिससे अपने फार्म के सारे पिस्टन ना रेड स्टोन से कवर हो जाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग ब्लॉक प्लेस करेंगे तो सारे पिस्टन यहाँ पे वर्क करेंगे। जहाँ से मेरे को लास्ट वाला दिखानी इसलिए मैं एक बार दोबारा पीछे आके दोबारा देखता हूँ सारे पिस्टन वर्क कर रहे कि नहीं। अरे यार यहाँ से तो रेंज ही जा रही है, हल्का सा एकदम आगे जाएंगे, अब देखते हैं। हाँ तो गाइस सारे पिस्टन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इन्होंने ब्लॉक को आगे ठेला। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्पेंसर के अंदर बोन मिल भर देते हैं, यहाँ पे ट्री की सैपलिंग ले लेते हैं। तो ये भर दिया गया तुमने बोन मिल एंड यहाँ से हम लोग ट्री की सैपलिंग लगा के देख लेते हैं अपना फार्म वर्क कर रहा है कि नहीं। आई होप ये वर्क करे। तो यहाँ पे लगा दिया, लीवर ऑन करते हैं एंड यार कितना बोन मिलेगा यार एक ट्री खाली उगने में। हाँ तो गाइस ये देखो फार्म वर्क कर रहे हैं, आगे ढकेल दिया। हाँ एंड गाइस अब हम लोग को यहाँ पे देखते रहना है कि वुड या फिर ट्री की लीव्स इस फार्म के बीच में नहीं है तो फार्म वर्क नहीं करेगा। एंड गाइस मैं थोड़ी देर AFK कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ 10 मिनट फार्म पे AFK करने के बाद। हाँ तो गाइस मेरे पास जितने भी बोन मिल पड़े हुए थे मैंने सारे लगा दिए एंड यहाँ पे कुछ हम लोग को इतने वुड इस फार्म ने दिए एंड फार्म काफ़ी जॉइंट है, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। हाँ तो गाइस देख लो, अगर फार्म पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करके जाना एंड चले पहले तो सब्सक्राइब भी करके जाना क्योंकि यूट्यूब पर भी हम सब्सक्राइबर एंड लाइक हर चीज़ में भी हम लोग गरीब हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। हाँ तो गाइस अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। ऐसी मिलेंगे अमेजिंग अदर द न्यू गेम की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।